सामने बैठी हूँ, ये तुम्हारा मुंह ये टेबल फैन की तरह बार बार उधर क्यों घूम रहा है? हाँ, और अगर ये आचार की बर्नी की तरह दिखने वाली बीवी से अगर दिल भर गया है तो मेरी तरफ देख दो। और सीढ़ी पर क्या देख रहे हो? अरे मैं वहाँ इसलिए देख रहा हूँ कि एक घंटे से वो आजाद हिंद फौज के सिपाही ऊपर बेडरूम में बैठे हैं और कोई हरकत नहीं। कहीं ये तूफान के पहले की शांति तो नहीं है? तुम हर वक्त ऐसे क्यों सोचते रहते हो कि मेरी बेटियां हमेशा गड़बड़ी करेंगी? नहीं बुआ। अरे माना कि हफ्ते में उनसे 10-20 गलतियां हो जाती हैं। 10-20? ऐसी नेक औलाद किस्मत वालों को मिलती है। अरे इसे नेक औलाद कहते तो फिर नालायक औलाद किसे कहते होंगे? पता है इनकी वजह से मेरी हालत तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे बसे हुए गाँव वालों जैसी हो गई है। हर वक्त दिल धड़कता रहता है, कब यहाँ से गोली आएगी, कब वहाँ से मिसाइल गिरेगा। अरे संसार बसाया है तो ये छोटी मोटी परेशानियां तो लगी रहेंगी। ये छोटी मोटी परेशानी, इसे छोटी मोटी परेशानी कहती है तू? क्या क्या करते हैं लोग। कभी बाजार से भाई उठा लाते हैं, कभी माँ बच्चों को गोद लेते हैं, अक्षय को किडनैप करते हैं, मीना कुमारी को पुनर्जन्म दिलाते हैं। ये छोटी मोटी नहीं, ये मोटी मोटी परेशानी। अरे ये जो हरकतें सोचते हैं ना वो दुनिया भर के टेररिस्ट मिलके भी नहीं सोच सकते। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा। अगर इन सब से छुटकारा पाना चाहते हो ना तो संन्यास ले लो। मैं एक जोड़ी भगवे कपड़े स्पॉन्सर करूंगी। हाँ, बच्चों की शरारतों को टेररिज्म कहते हुए शर्म नहीं आती? बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो क्या बच्चों का बाप मस्ती करेगा? उनका बाप मस्ती करे ना करे, उसकी माँ हमेशा मस्ती में रहती है। क्या कहा? मैंने कब तुमसे मस्ती की? मैंने तुमसे नहीं कहा। तो किससे कहा? किससे कहा? जिसने कहा था कि बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो क्या उनका बाप मस्ती करेगा? किसने कहा था? किसने नहीं कहा था? इधर आओ, जरा मुंह खोलो। अगर बेटियों ने देख लिया तो कैसेट बना डालेंगी। और ऐसा कुछ नहीं। नहीं, जरा इधर आओ, मुंह खोलो। मैं तो ये सुन रही थी कहीं तुम पीने वीने तो नहीं लग गए? अरे जिस दिन मैं पीने लगूंगा ना तो इतनी बातें करने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। उसमें कौन सी धाड़ मारोगे? पीकर तो चूहा भी शेर बन जाता। बिना पिए इसे पीटो तो मान। बिना, जरा ऊपर जाके देखो, कहीं रिजर्व बैंक लूटने का प्लान तो नहीं बना रहे हैं ये लोग? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से क्यों डरता है तेरा? मैं पूरी की पूरी भीग गई। चल अब छाता सामने रख, मेरे चश्मे पर पानी पड़ रहा है। अब तो इसके कान को भी बचाना पड़ेगा, वरना ना इसकी सुनने की मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। संभल कर चलना, तेरे जूते से अपन के कपड़ों पर छींटा उड़ रहा है। अरे यार कोई इसको समझाता क्यों नहीं है यार? अरे बारिश के सीजन में छींटे नहीं उड़ेंगे तो क्या फूल बरसेंगे? क्या हो रहा है ये सब? अरे डैड कुछ भी नहीं, अपन आपको समझाता है क्या? हम लोग एक छाते में ज्यादा से ज्यादा कितना लोग आ सकता है उसकी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आप ये आइए ना, लेट्स सी। देखो इसकी क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि मॉम हमारे घर में आदमी 7 हैं और बारिश से बचने वाली चीजें सिर्फ 3। उसमें से भी पापा का रेनकोट नहीं रहा ना। क्या हुआ मेरे रेनकोट को? वो डैड कुछ नहीं, क्या हुआ सुबह में स्वीटी में और अपन में शर्त लग गई। स्वीटी ने कहा कि आपके रेनकोट में हम सब आ जाएंगे, अपन ने कहा कि वो फट जाएगा। तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, काजल शर्त जीत गई। और डैडी आपके रेनकोट के वजह से मुझे सुबह सुबह 5 रुपए का नुकसान हो गया। यानी तुम्हारे 5 रुपए की शर्त ने मेरा 500 रुपए का नुकसान कर दिया। अरे डैड उसमें रोते क्या हुआ? मैं नहीं रो रहा हूँ, ये रोने जैसी बात थोड़ी है। हाँ, तो देखो ना। हाँ? आज सुबह हम लोग ने उसकी छतरी खोली। हाँ? और राधिका उस पर गिर गई, पूरे 8 तार टूट गए। ये देखो पूरे 8 तार टूट गए, फिर भी रो रही है? नहीं ना। अरे वो क्या रोएगी, रोना तो मुझे पड़ेगा, 600 रुपए का नुकसान। अरे मेरी छतरी, इसके 8 तार टूट गए, अब इसमें बाकी बचा क्या है? मम्मी 2 तार इतने मजबूत थे कि ये उसमें गिरे और फिर भी नहीं टूटे। मैं पूछता हूँ तुम लोग हमारे साथ किस जन्म का बदला ले रहे हो? रेनकोट फाड़ डाला, छाता तोड़ डाला और ऊपर से जुलूस जुलूस खेल रहे हो। ये छोटा मत कीजिए डैड, संसार का तो यही नियम है कि पुरानी चीजों का नाश होता है और नई चीजों का जन्म। हाँ डैड, छतरी हो या रेनकोट, सब कुछ यही धरा का धरा रह जाता है। बिल्कुल सही कहा। आदमी मुट्ठी बांध कर आता है और खाली हाथ चला जाता है। नहीं राधिका, आदमी कुवारा आता है और शादीशुदा होकर मर जाता है। जब आदमी को जन्म होता है ना तो बहुत रोता है और लोग हंसते हैं, फिर वो हंसते हुए लोगों को रोता छोड़ के चला जाता है। समझ गए ना डैड? इसीलिए गीता सार को याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, क्या तेरा था जो तूने खो दिया कि एक रेनकोट के फटने पे रो दिया। हाँ चलो चलो बहन लोग, अब हम लोग बाहर बारिश में जाकर हम लोग की एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते हैं। चलो चलो चलो। एक सेकेंड, छतरी न खोल उड़ जाएगी, हवा तेज है, खुली रख वरना भीग जाएगी। भीगने दे यार। हाँ, तेरी टोपी भी भीग जाएगी। वेरी गुड, चल। क्या हुआ? ये भूत की तरह क्यों खड़े हो गए? हमारी ये शैतान चौकड़ी जाते जाते कितनी बड़ी बात कर गई, सुना तुम लोगों ने? हम तो ये बिल्कुल भूल ही गए थे कि इस दुनिया को छोड़कर भी जाए, और अभी तो कितने सारे काम को निपटाना है। क्या उल्टी सीधी बातें सोचने लगे? हा? काम निपटाने हैं तो निपट जाएंगे। अरे हम तो छोटी के बच्चों की शादी करवा के मरेंगे। खबरदार ऐसी बातें सोची तो। अब तुम्हें क्या हुआ? पता, मैं भी इसी मोटी की तरह सोचती थी, पता नहीं कब मिट्टी में मिल गई। किसी ने सही कहा है, आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का, फल की खबर नहीं। बिना सामान लगाओ, खाना लगाओ। कल सुबह को 1000 रुपए का चेक साइन कर देना। क्यों? मेरी शादी है। डैडी, कितनी घटिया बात करते हैं आप। हमारी बाप की शादी हो और हम सिर्फ 1000 रुपए का चेक मांगे? हाँ, हम 1000 रुपए का चिल्लर तो आपकी बारात की घोड़ी के सामने नाचने वाले लोगों पर उड़ा दें। बस बस, तुम लोग अपने बाप की शादी में और क्या क्या कर सकते हो वो सोचने की जरूरत नहीं है। अभी मैं इस घर में मौजूद हूँ तो समझाना अपने पति को। जवान जवान बेटियों के सामने अपनी शादी की बात करते हैं। इतना भी नहीं समझते कि मेरे सामने मेरे अलावा किसी और की शादी की बात होती है तो मेरे दिल पे हजार कॉकरोच डिस्को करते हैं। चलो बात बदलो वरना कॉकरोच डिस्को डांस कर रहे हैं, मेंढक से रैप सॉन्ग भी गवाएगी। चलो खाना खा लो। डैड, खाना तो होता ही रहेगा, पहले जरा लेन देन की बात कर ले। तुमने क्या मेरे घर को बॉम्बे सेंट्रल रेलवे स्टेशन का कैफेटेरिया समझ रखा है? जो पहले कूपन लूं फिर खाने बैठूं? ऐसा नहीं है डैड, हमने सोचा कि खाने से पहले पैसों की बात हो जाए तो आपका खाना खराब ना हो। पर तुम लोग को 1000 रुपए क्यों चाहिए? हम लोग ने मानसून बजट बनाया है, सबके लिए प्लास्टिक के जूते, 3 लेडीज छाते, छोटी के लिए रेनकोट और अपन के लिए एक काले रंग का जेंट्स छाता। ये सब 1000 रुपए में आ जाएगा। काले छाते पर से याद आया कि पता है औरतों के लिए बहुत डिफरेंट कलर के छाते होते हैं, लेकिन मर्दों के लिए सिर्फ एक काला। तुझे पता है क्यों? क्योंकि फूलों के कई रंग होते हैं लेकिन कांटों का सिर्फ एक। तेरी जान को मर्दों को कांटा बोलती है तो फिर उन पर मरती क्यों है? क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। बीना, मैं पूछता हूँ आज की तारीख में मुझे शांति से खाना खाने मिलेगा या नहीं? डैड, अपुन आपसे ये पूछता है कि कल की तारीख में अपुन को 1000 रुपए का चेक मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा, जो पन पड़े कर लो। अच्छा हाँ। तो ये बात है। हाँ ये बात है। लगता है आज रात को अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। लगता है। अरे पूरी दुनिया जानती हो कि तुम काले कौवे जैसे हो, काला दिल काले काम, करते हो भी तो साथ में। डैड, अगर इस जालिम जमाने में शान से जीना है तो कौवे की तरह ही जीना चाहिए। हमेशा अलर्ट रहो, चिड़िया भी मारो तो मिल बांट कर खाओ, कभी भी किसी पर भरोसा मत करो। भरोसा, और अपने भाइयों के लिए जान भी दे दो। चलो चल, इसकी जात की 1000 रुपया देने से तो ऐसे इनकार कर दिया जैसे कोई हटे या बिल्डर भाई लोग को हफ्ता देने से इनकार करता हो। अरे भाई लोग तो बिल्डर को गोली भी मार सकते हैं, हम लोग तो अपने डैड को चूरन की गोली भी नहीं खिला सकते। वैसे सोचा जाए तो डैडी का कसूर ही क्या है, आमदनी 18 और खर्चा रुपया। हमारे डैडी की आमदनी 18 है और हमारे घर का खर्चा 1 रुपए में चलता है। एक्चुअली हमें डैडी की मदद करनी चाहिए, वरना एक अकेला आदमी कितना बोझ उठाएगा। हाँ, तूने वो गाना सुना है, साथ ही हाथ बढ़ाना साथ ही रे, एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। बस, तुम लोग ने सही कहा। इस हफ्ते शुक्रवार को हम लोग चोर बाजार चलते हैं। अच्छा, चोरों का भी बाजार होता है, लेकिन उनको खरीदने वाले सब साहूकार होते होंगे ना। पर हम लोग को तो छाते और रेनकोट खरीदने हैं, चोर को लेके क्या करेंगे? तुझे समझ नहीं पड़ती तो बीच में क्यों बोलती है? समझ गई, हम लोग चोर बाजार से एक चोर भाड़े पे लाएंगे, फिर उससे छाते और रेनकोट चोरी करवाएंगे। काजल, क्यों ना आप सीधा उससे एक गाड़ी चोरी करवा ले? अरे छाते और रेनकोट की स्ट्रगल ही बच जाएगी ना। स्वीटी, चोर बाजार में चोर नहीं मिलते, चोरी की हुई चीजें सस्ते में मिलती, समझी ना? हम लोग वहाँ से छाते और रेनकोट खरीदेंगे। क्या बात कर रही हो? फिर तो मैं वो रेनकोट लूंगी जो श्रीदेवी ने 4 बार में पहना था। नाना 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 नाना, चुप है, समझी ना? अभी अगर तू चुप बैठेगी ना तो अपन तेरे को माधुरी का जूता भी दिलवाएगा। नहीं, ऐसा मत करना। कहते हैं कि जिसके उतारे हुए जूते पहनने से पनवती लगती है, और आज इट इज मेरी जिंदगी में 7.5 सत्ती चल रही है। मैं माधुरी की पनवती क्यों गोद लूं? तुझे कोई नहीं पहुंच सकता स्वीटी, तू तो महान है। I know कि मैं महान हूँ, इसमें ज्यादा चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सो जाओ, क्योंकि मेरे सपने में सुनील शेट्टी आने वाला है। Oh, really? सो जा, बहुत रात हो गई है। फिर क्या सोच में पड़ गए? बिना ये लड़कियों ने मुझे हिला कर रख दिया है। अरे इसमें कौन सी नई बात है? नई बात है बिना, नई बात है। आज तक इनकी बातें सिर्फ मेरे दिमाग को झटके देती थी, लेकिन आज इन्होंने मेरा दिल हिला कर रख दिया। क्या मतलब? आज मुझे अपनी कमतरी का एहसास होने लगा। कैसा बाप हूं मैं बिना, जो अपने बच्चों को बरसात से बचने एक छाता तक नहीं लाकर दे सकता, तो बड़े तूफान से कैसे रक्षा करूंगा? अरे सुबह उठ के एक नए छाते के पैसे दे देना। अब इस वक्त अपना खून क्यों जला रहे हो? छाता तो एक सिंबल है बिना। लोग अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसी, मंथली इनकम स्कीम, और ना जाने क्या क्या सिक्योरिटी करते हैं। और हम हैं जो अपने बच्चों को कोई बनफूल की तरह बढ़ने दे रहे हैं, ना कोई क्यारी ना पहाड़। ये सब बातें तो सुबह भी सोची जा सकती है ना, अब चुपचाप सो जाओ। अरे इतने सालों तक सोता ही रहा हूँ बिना, और अब जागा हूँ तो तुम मुझे नींद की गोली खिलाने पर तुली हो। देखो तुम्हें नींद आती है, तुम सो जाओ। हाँ खबरदार, खर्राटे मत भरना, मेरे थॉट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसी तुम्हारी मर्जी, गुड नाइट। सो गई। अब पता चला इसकी तंदुरुस्ती का राज। पति बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचने आंखों में तेल डालकर जाग रहा है, और ये ऐसी सो रही है जैसे इंग्लैंड के सामने वनडे मैच हारने के बाद इंडिया का कैप्टन सोता है। देखो मैं भी सो जाता हूँ। आनंद माथुर जागो, आनंद माथुर। कौन है? ये तो यहाँ सो रही है, तो फिर आवाज कौन दे रहा है? कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर आवाज कहाँ से? कौन है भाई? मैं तुम्हारा हित चिंतक। नहीं, वो तो मैं समझ गया, लेकिन तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं मुंह से बोल रहा हूँ। तो मैंने कब कहा कि तुम सब मुंह से बोलते हैं? मेरी बीवी तो नाक से बोलती है, वो भी खर्राटी की भाषा में। मजाक अच्छा कर लेते थे। अरे ऊपर वाले ने मेरे साथ इतने मजाक किए हैं कि अब मजाक करने की मुझे आदत सी पड़ गई है। लेकिन तुम कौन हो भाई, और बिना नॉक किए मेरे रूम में कैसे घुस गए? हम नॉक नहीं करते, सीधा नॉकआउट कर देते हैं। क्या? ए! ए! बड़ा बदतमीज आदमी है। हम आदमी नहीं, संदेशवाहक। क्या? हाँ, और तुम्हारे नाम ईश्वर का संदेश लाए हैं। नहीं, वो कुछ भी हो, जो संदेश देना है वो सामने कर दो ना। बालक, तुम हमारी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। नहीं, किसी बात को मैं गंभीरता से नहीं लेता। जाओ, अपनी मृत्यु को भी नहीं। क्या मतलब? तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। मौत के फरिश्ते तुम्हारी रूह कब्जा करने आने वाले हैं। समझ गया। 1000 रुपए नहीं दिए ना तो बाप की रूह कब्जा करने निकले नालायक लोग। अभी देखता हूँ टेप रिकॉर्डर कहाँ से बजा रहे हैं। जहन्नम में संभाल के जाना, और लाइट जला लेना। आजकल कॉकरोच बहुत हो गए हैं। इसके हिसाब से जहन्नम में भी पेस्ट कंट्रोल वालों की कमी है। मेरी बात का तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? अरे जिसकी मेरे जैसी औलाद हो, उस आदमी का अपनी बातों पर से भी यकीन उठ जाता है। ये आकाशवाणी कहां से हो रही है? ए, क्या बात है? नींद भी आ रही है? मैं लोरी गाकर सुना दूं? क्यों क्यों अनुराधा पौडवाल के पेट पे लात मार रही हो? कहां जा रहे हो? बाढ़ में अकेले आते थे, कहीं तो अकेला जाने दे। दादी, मेरी शादी में जोधपुरी सूट ही सिलवा। नींद में भी इसकी शादी के रिकॉर्ड ऑफ नहीं होती। ये लोग अगर सोए हैं तो ये आवाज का ड्रामा किसने रचा? हो गई छानबीन, मूर्ख मनुष्य। मैं तेरे भले के लिए आया हूं और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। अरे यार, तुम जो भी हो चले जाओ ना यहाँ से। मैं लड़कियों को 1000 क्या 2000 का चेक दे दूंगा, लेकिन तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। नहीं तो कल ऑफिस में मैं झपकियां मारूंगा तो बॉस की गालियां सुनूंगा। वत्स, हमारी बात गौर से सुनो। भगवान ने सोचा, इस आदमी के पिछले जन्मों के पाप भुगतने 2 बीवियां और 5 बेटियां तो दे दी, पर बेचारा जरूरत से ज्यादा परेशान हुआ है, तो इसे मरने से पहले नोटिस दी जाए ताकि इसकी आत्मा बच्चों में न रह जाए। 2 दिन में जो भी सिक्योरिटी करनी है कर दो। 7 तारीख को 7:03 पर तुम्हारी आखिरी सांस होगी इस दुनिया में, और तुम्हें हमारी बात का भरोसा हो इसलिए अपना हाथ आगे करो और आंखें बंद कर दो। सिर्फ 2 दिन